एशियन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जहीरुद्दीन खान। आप देख रहे हैं धनबाद और आसपास की खबरों के साथ साथ देश के कोने कोने से ताजा तरीन खबरें। आइए जानते हैं खबरों पर। प्रतापगढ़ जनसत्ता दल के महासचिव एडवोकेट राजकुमार सिंह ने सोनू पांडे निवासी रेवती नगर पंचायत जिला बलिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए विधिक कार्रवाई के तहत अंतु थाना में लिखित तहरीर दिया है और सरकार से मांग की है कि सोनू पांडे ने राजा भैया के ऊपर जो लांछन लगाया है और विकास दुबे जैसे अपराधी से तुलना की है, उसके लिए अगर शासन प्रशासन कोई कठोर कदम नहीं उठाती है तो जनसत्ता दल पार्टी के सभी कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि वह व्यक्ति कह रहा है कि राजा भैया के ऊपर 650 के ऊपर मुकदमा है। अगर विकास दुबे का घर गिराया जा सकता है तो राजा भैया का भी घर गिराया जाना चाहिए, जो कि सरासर गलत है। राजा भैया के ऊपर इस समय एक भी मुकदमा नहीं है और उन्हें एक साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं, ऐसा कहना है जनसत्ता दल के महासचिव एडवोकेट राजकुमार सिंह का। अब देखना है कि शासन और प्रशासन इस पर आगे क्या निर्णय लेता है और पार्टी की रणनीति आगे की क्या होती है। उनकी पूरी टीम ने जनसत्ता केसीएन टीवी के लिए अमेठी से ब्यूरो चीफ अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। पूरे जिले के जनपद जी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मसीहा को उत्तर प्रदेश का गुंडा कहा जाना और उसके ऊपर 600 बिना किसी साक्ष्य के जी 650 मुकदमे कहे जाने की बात क्या न्याय उचित है जी। जो जिस शख्स के इशारे पर लोग जान देने को तैयार रहते हैं, क्या वो गुंडा हो सकता है? माननीय राजा भैया धर्म में वो आस्था रखते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आचरण को ग्रहण करने वाले और उस पर चलने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति के विषय में किसी निम्न स्तर के व्यक्ति द्वारा गलत शब्दों का प्रयोग किया जाना, ये हमारी पार्टी के लिए बहुत ही कष्टकारी है। और अगर तो समय रहते प्रशासन ने, तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सिर्फ मेरी एक मांग है, अगर समय रहते प्रशासन ने उस सोनू पांडे जो कि जनपद बलिया जी नगर पंचायत रेवती का निवासी है, अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जी, तो जनसत्ता पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में पूरे जनपदों में सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे कि राजा भैया पे जान देने वाले हर जिले, हर कस्बे, हर गांव में लोग मौजूद हैं जी भविष्य में, ताकि कोई ऐसा दुस्साहस न कर सके। इसके विषय में आपने कहीं ज्ञापन ओपन दिया कि नहीं? जी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री अभी बताया मैंने कि माननीय मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, कप्तान, सबको मैंने जरिए रजिस्ट्री अवगत करा और व्यक्तिगत रूप से मिल करके पुलिस अधीक्षक से दूरभाष पर बात करके और पुलिस उपाधीक्षक से मिल करके मुकदमा कायम करने हेतु आदेश कराया है ऐसे अंकु को और ला करके उनको दिया है। संभवतः दो एक दिन में उसके विरुद्ध आईटी एक्ट में मुकदमा कायम हो जाएगा। आपका क्या नाम है? मैं राजकुमार सिंह एडवोकेट, मैं महासचिव हूँ माननीय राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का। आपकी नाराजगी क्या है? करीब 5-6 दिन पहले मैं अपने घर पर बैठा फेसबुक और व्हाट्सएप देख रहा था छुट्टी के दिन जी, तो उस पर एक कमेंट मुझे दिखा सोनू पांडे का जी, जिसमें उन्होंने माननीय राजा भैया को जी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध गुंडा और उन पर 650 मुकदमे होने की बात कही और उनकी तुलना कुख्यात अपराधी विकास दुबे से किया जी। उसे देखने के बाद जी मैं बुरी तरीके से आहत हुआ जी और मैंने उनके विरुद्ध जी
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़, मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, पुलिस अपर पुलिस महानिदेशक जी, सारे लोगों को पत्र भेजकर कार्यवाही की मांग किया और उनके ऊपर मुकदमा कायम कराने की मांग किया। माननीय राजा भैया करोड़ों दिलों पर राज करने वाले व्यक्ति हैं। साल भर में 100-150 गरीब लोगों की शादी कराते हैं जी। उनकी पूरी टीम ने, जनसत्ता दल की पूरी टीम ने इस लॉकडाउन के दौरान 10,000 घरों में राशन पहुंचाया है पूरे जिले के, जनपद के जी। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मसीहा को जी, उत्तर प्रदेश का गुंडा कहा जाना और उसके ऊपर 600 बिना किसी साक्ष्य के जी 650 मुकदमे कहे जाने की बात न्यायोचित है जी। जो जिस शख्स के इशारे पर लोग जान देने को तैयार रहते हैं, क्या वो गुंडा हो सकता है जी? माननीय राजा भैया धर्म में वो आस्था रखते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आचरण को ग्रहण करने वाले और उस पर चलने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति के विषय में किसी निम्न स्तर के व्यक्ति द्वारा गलत शब्दों का प्रयोग किया जाना ये हमारी पार्टी के लिए बहुत ही कष्टकारी है। और अगर तो समय रहते प्रशासन ने, तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सिर्फ मेरी एक मांग है, अगर समय रहते प्रशासन ने उस सोमू पांडे जो कि जनपद बलिया जी नगर पंचायत रेवती का निवासी है, अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जी, तो जनसत्ता पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में, पूरे जनपदों में सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे कि राजा भैया पे जान देने वाले हर जिले, हर कस्बे, हर गांव में लोग मौजूद हैं जी भविष्य में, ताकि कोई ऐसा दुस्साहस न कर सके। इसके विषय में आपने कहीं ज्ञापन ओपन दिया कि नहीं? जी, मैंने माननीय मुख्यमंत्री, अभी बताया मैंने कि माननीय मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक, कप्तान, सबको मैंने जरिए रजिस्ट्री अवगत करा और व्यक्तिगत रूप से मिल करके पुलिस अधीक्षक से दूरभाष पे बात करके और पुलिस उपाधीक्षक से मिल करके मुकदमा कायम करने हेतु आदेश कराया है ऐसे अंकू को और ला करके उनको दिया है। संभवतः 2-1 दिन में उसके विरुद्ध IT एक्ट में मुकदमा कायम हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।